कारतूस की बेल्ट लेकर घूमते व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। खेत में चक्रोट डालने को लेकर विवाद हुआ था और फिर विवाद कितना बढ़ा आप अंदाजा लगाइए इस फुटेज को देखकर। हाथ में हथियार लेकर क्या ये सोनभद्र पार्ट टू है क्या, ये सवाल भी हम लगातार पूछ रहे हैं। आखिर प्रशासन का खौफ कहाँ पर है, कानून का खौफ कहाँ पर है? थोड़ा सा विवाद जमीन का और फिर हथियार लेकर उतर गए सड़कों पर। ये देखे भिड़ गए दो पक्ष, जमकर मारपीट हुई, गुंडे खुलेआम वहां पर की जा रही है। लगातार एक के बाद एक जमीन के मसले, प्रशासनिक अमला उदासीन बना हुआ है। अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी शमी गौतम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शमी, अभी तक एक्शन लिया गया, कार्रवाई हो पाई है कुछ? जी दीपा, आपको बता दें कि ये जो दबंगई वाला मामला था, इस मामले में आतंक सादाबाद वाले मामले में सूचना मिल रही है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है और उसके बाद बाकी के लिए कार्रवाई में लगी हुई है। लेकिन शमी, सवाल ये इनके पास हथियार कहाँ से आए और फिर खुलेआम ये हंगामा वो करते रहे, पुलिस के कोई कर्मी वहां पर नहीं पहुंचे, पुलिस अधिकारियों को कानो कान खबर नहीं लगती है? साफ तौर पर सवाल कार्य प्रणाली पर पुलिस के। बिल्कुल, इसमें अगर ये वीडियो मीडिया द्वारा वायरल नहीं होता तो शायद ये जानकारी नहीं मिल पाती कि ये इतना बड़ा मामला गुंडे और दबंगई का ये जो हुआ है हाथरस के सादाबाद में। लेकिन ये जानकारी जब मिली, जब ये वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो पाई है, उससे पूछताछ लगातार की जा रही है, आप नजर बनाए रखिएगा। अगर बढ़ते हैं हापुड़ के कचहरी परिसर में।